हिमाचल प्रदेश में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को यहां काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे ही उपमंडल जोगिंदरनगर के अथराह गांव में 17 दिन बीत जाने पर भी पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। इस तरह की घटनाओं से अब सरकार के विकास के ढिंढोरे की पोल खुलने लगी है। 17 दिन से पीने का पानी ना मिलने के बाद गांव वासियों ने आज सुबह 9 बजे ही जिला परिषद सदस्य एवं हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में गांव में खाली बर्तनों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया तथा बंद पड़े हैंडपंप तक जुलूस भी निकाला। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि गांव वासियों ने बार बार विभाग से गुहार लगाई, लेकिन पानी उपलब्ध करवाने में विभाग असफल रहा, जिसके बाद आज गांव वासी इस प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए। कुशाल भारद्वाज ने प्रदर्शन के दौरान जल शक्ति विभाग को चेतावनी दे दी कि यदि आज ही पानी बहाल नहीं हुआ तो कल न केवल जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा बल्कि तालाबंदी भी की जाएगी, जिस पर विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए बैंटलू स्कीम का कनेक्शन पुनः देने के लिए लगभग 40 नई पाइपें भेज दी हैं तथा मोटर को भी आज ही बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद उसी हैंडपंप से सुचारू मात्रा में पानी आना शुरू हो गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो अथराह गांव है वहां पर पिछले 15-18 दिन से पानी नहीं आ रहा था और मुख्य कारण था कि जो हैंडपंप यहां पर है उसकी मोटर चल नहीं रही थी और इस बारे में बार बार जो है विभाग को सूचित किया गया, अधिकारियों को भी, कि यहाँ पे मोटर खराब है, उस मोटर को बदला जाए। और उनका तर्क यह था कि मोटर खराब नहीं है बल्कि वहाँ पे पानी का लेवल डाउन चला गया है। और जब 3 पाइप और जुड़ गए तब भी पानी निकला और उसके बाद जब कल मैकेनिक आए थे उन्होंने भी कहा कि मोटर खराब है और आज उस मोटर को अभी जो है ठीक करके ले आए हैं। और सुबह भी आज गाँव के अंदर प्रदर्शन किया था सभी गाँववासियों ने, आज सुबह भी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी और उसके साथ साथ हमने भी बोला कि जो पहले से जो पानी का कनेक्शन काटा गया यहाँ पे उसको भी जोड़ा जाए। तो आज 35-40 GI पाइप्स भी जो है विभाग ने भेज दिए हैं। वो जो स्कीम थी एक बेंटलू नाला की, जो कुछ साल पहले पानी काट दिया गया था कनेक्शन, उसको भी बहाल करने को जो है एक्सिस साहब ने बोला है। और अभी खुशी इस बात की है कि जो यहाँ का पानी था पिछले कई दिनों से बंद, वो हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ के फील्ड स्टाफ लोग, उनकी मेहनत से जो है आज वो बहाल हो गया और उसके साथ साथ मोटर जो है दोबारा से लगा दी गई है और काफ़ी खुला पानी है। तो ये जो विभाग के अधिकारियों का कहना था कि पानी का लेवल डाउन चला गया है, वैसा कुछ नहीं है। और जो गांव वालों का तर्क था, हमारा तर्क था कि पानी डाउन नहीं किया बल्कि मोटर में खराबी है, वो जो है सही साबित हुआ है। तो मैं पूरे अथराह गांव के लोगों को बधाई देता हूं कि उनका पानी बहाल हुआ है और उन्होंने जो एकता बनाई और उस एकता के आधार पर जो है आज जो संघर्ष उन्होंने किया और उसके बाद जो विभाग के ऊपर प्रभाव पड़ा पिछले 2-3 दिन से, उससे जो पानी बहाल हुआ है। तो एक बार फिर से हम बधाई देना चाहते हैं और मैं भी कहना चाहता हूं कि बेशक मैं थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन फिर भी पानी बहाल हुआ तो सबका जो मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे लिए पानी प्रमुख है हमारी, इसमें राजनीति का कोई मकसद नहीं है। और आज खुला पानी जो है अभी यहाँ पर ये अब चलना शुरू हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सारे कर्मचारियों को भी, फील्ड स्टाफ को भी, अधिकारियों को भी और खास कर गाँव वालों को जिन्होंने मुसीबत दे दी है और जिन्होंने कुछ